हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ठाकर जोन। और आज है होली का दिन और मैंने अभी वो होलिका की पूजा कर ली है और मैं अभी अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ। उधर भी होली का दिन है और स्पेशली बात ये है कि उधर से हम कुछ कल होली खेलने के लिए कलर वगैरह और कुछ शॉपिंग करने के लिए अभी जाने वाले हैं। सो अभी आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरी बाइक है। अभी यार आना आ गया। ये है मेरी बाइक सुपर डिलक्स अला सॉरी सी डी डील एच एफ डिलक्स मेरी बाइक है। और सो लोग देखते रहिए और ठाकुर जन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो लाइक कर दीजिए। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं एक होली देखने हैं। ये है राजकोट के जंक्शन प्लॉट के बाजू में जो एक एरिया है उसको बोलते हैं गायकवाड़ी प्लॉट, गायकवाड़ी एरिया। और इधर की ये होली है। ये राजकोट की होली पूरे इंडिया में फेमस है। आपने ऐसी होली अभी तक कहीं नहीं देखी होगी, शायद ही किसी ने देखी होगी जो गुजरात में रहते या फिर गुजरात के राजकोट में रहते। गुजरात के बाहर ऐसी होली कहीं पे भी नहीं होती। और यहाँ पे देखिए, ये आर्टिफिशियल कार्टून वगैरह कुछ रखते हैं और आर्टिफिशियल फूल से डेकोरेट किया हुआ है। और पीछे डीजे बज रहा है इसलिए मैंने वीडियो का साउंड म्यूट किया हुआ है। और मैंने ये अलग से रिकॉर्डिंग की हुई है क्योंकि उसके बैकग्राउंड कॉपीराइट भी आ सकता है और कुछ आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा, इसलिए उसकी साउंड म्यूट कर दिए और मैंने इधर से स्पेशल ऑडियो रिकॉर्ड की है। ये देख सकते हैं, ये कार्टून एयर कार्टून है इधर। और इधर सब फोटोग्राफी जैसा एक होली का त्यौहार राजकोट में एक मेले जैसा होता है। ये होली का दहन सिर्फ होली का दहन नहीं होता है। दूसरी जगह पर आ गए हैं। ये एरिया है सिंधी कॉलोनी, ये भी जंक्शन प्लॉट के बाजू में ही है। और ये सिंधी कॉलोनी में भी आप देख सकते हैं इधर भी साउंड वगैरह बज रहा है। इधर का भी मैंने वीडियो का जो साउंड है वो मैंने म्यूट किया हुआ है। इधर देख सकते हैं सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और सब जगह आर्टिफिशियल फूल से डेकोरेट किया हुआ है। पूरा जगह पूरी होली आर्टिफिशियल फूल से डेकोरेट की हुई है। और अभी आप ये जो दूसरा देख रहे हैं वीडियो, ये भी सिंधी कॉलोनी में ही है। इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है आर्टिफिशियल फूल से और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है। इधर आप देख सकते हैं पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं लोग कि सबको लगता है कि अपने घर का कुछ फंक्शन वगैरह है। सबको ऐसा लगता है कि ये कुछ बड़ा फंक्शन होगा या फिर कुछ और होगा। ये देख सकते हैं आप सब लोग इधर फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। नीचे भी देख सकते हैं ये कुछ कलर से किया हुआ डेकोरेट। इधर ये देखिए आप, उसकी बैक साइड में इधर डिस्को नंडिया चल रहा है, डांडिया सब खेल रहे। ये देख सकते हैं गुरु नानक ग्रुप का है। और इधर ऑर्केस्ट्रा मंगाए हुए, आपने पहली बार कभी देखा होगा कि होली। सो अभी मैं और मेरे फ्रेंड्स इधर एक होशो होली के लिए कल के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। और ये आप टाइम लैप्स देख रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो। ये पूरी राजकोट की जो सदर मार्केट है वो है। और आपको अगर टाइम लैप्स पसंद है तो लाइक कर देना एक और कमेंट कर देना कि आपको टाइम लैप्स कैसा लगा। छोटा सा टाइम लैप्स है। अभी इधर से हम आगे जा रहे हैं और इधर गाड़ी साइड में पार्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। Yeah.
बाजार और इधर हम कुछ होली के कल के लिए शॉपिंग करने आए हैं। तो इधर आप सीन देख सकते हैं। अगर आपको आवाज़ में नहीं सुना दे रहे हो तो मैं बाद में सुनाऊंगा आपकी आवाज़। ये देख सकते हो अभी मार्केट चालू है और बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। पिछले साल के जैसा तो नहीं है, पिछले साल बहुत ट्रैफिक था। ये जो इंसान है ये मेरा दोस्त है राज भानुशाली और ये भी मेरा दोस्त है कानो आहिर, इसका नाम है। हमारा माँ की छोकरा है भूदेव, ये है भूदेव। वो सब तो मेरे को जानते हैं। अरे भाई क्यों कलर ले आवाज तो ना आयो एम हमारो ये आई गयो हूँ से भाई कलर नो હું છે પેકેટ પેકેટ ના 10 રૂપિયા આવડા માં આવડા ના 10 રૂપિયા હોય આની પાસે વધી પડે હોના પાન દઈ દેવા દૂધું લેજો કેટલા પેકેટ લીધા? 1, 2, 3, 4, 5, 6 બધા અલગ અલગ બધે બબે કરીને 20 પેકેટ જેવા લઈ લે, 20-25 જેવા પેકેટ। तो फ्रेंड्स आपने अभी कुछ इस तरफ से आते हुए कुछ स्लाइड शो देखा होगा और मैं कल होली में गया था, आपको दिखाया था कल रात कोहली का दहन में। और आज सुबह मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होली देखने आया था, होली खेलने गया था, तो उसकी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाल दी थी। अभी आपने कुछ स्लाइड शो इससे पहले आपने देखा होगा। सो मैं ब्लॉग शूट करने वाला था बट रीज़न एक ये था कि होली खेलने जाने वाला था तब भी मैंने फ़ोन लेने वाला था बट ब्लॉग शूट करने के लिए, बट मैंने फ़ोन की सेफ्टी सोची क्योंकि वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, बच्चे वगैरह पानी डाल दे तो फ़ोन तेज नहीं सो जाता मेरे पूरा। सो इसलिए मैंने फ़ोन से ब्लॉग शूट नहीं किया, उसकी रीज़न से मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है इसीलिए। सो फ़ोन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। और आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं है। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपने सारी फोटोग्राफ्स देख ली होंगी। सो आज का वीडियो बस यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक ठाकुर जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ठाकुर जोन को, नीचे लाल कलर का बटन दबा के और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना टंग करके। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आप इधर देख सकते हो। सो जय हिंद जय भारत बाय। एक बात कहना भूल गया था, एक स्पेशल चीज आने वाली है।
ठक्कर जोन को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इसका यूजर नेम ये दिख जाएगा, उस पर मैं यहाँ स्टोरी डालूँगा, स्टोरी कंटिन्यूस देखना और पोस्ट को लाइक कर देना। एक मैं चलो बता देता हूँ, सरप्राइज ये है कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, और गिव अवे किस चीज़ का है वो मैं इंस्टाग्राम पे डिक्लेयर करूँगा। और गिव अवे जितना चाहते हो तो ठाकर जोन को सब्सक्राइब करो, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जल्दी से जल्दी। बाय।